मांधाता के पुनासा मुख्यालय पर भारतीय किसान सोमवार को धरने पर बैठेगा। अनिश्चितकालीन धरने में हजारों किसान शामिल होंगे। हजारों की संख्या में सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठेंगे। ओंकारेश्वर बांध जर्जर होकर टूटने के कारण किसानों के खेतों में पानी घुसने से भारी मात्रा में फसलों का हो रहा नुकसान। राज्य मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग के तहसीलदार पटवारियों के द्वारा किसानों के लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने और मुआवजा राशि नहीं देने पर किसानों में भड़का है आक्रोश। इसलिए सोमवार SDM कार्यालय के समक्ष हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। रेडना न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। आप मानना ने आप शासन प्रशासन का लोग बहुत मनमानी कर ले। अब हम हमारी राहत राशि लेने रवाना, नहीं तो हम उठना का नहीं वहाँ से। हम कंडा लखन लेने वहाँ दाल बाटी बनावाना ना, अब वहाँ बिल्कुल धरना देवाना। हम अब एक कावन तुम्हारी बात माना नहीं, एक कावन भाई नहीं मानना का। क्यों भाई नहीं मानना का? नहीं नहीं धरना दे रो दे रो समय हमको दो, तुम्हारो कभी नहीं मन पाना तो सोमवार से तुम धरजो, है सोमवार से धरजो। सोमवार तुम्हारो दितवार तुम्हारो सोमवार तुम्हारी जो है। 11 तारीख को हमारा एक दिवसीय धरना था, जिसमें हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए थे और अन्य मांगे भी थी और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर। फिर अभी दूसरे दिन शाम में 12 तारीख को हमारी ग्राम बननगर में बैठक हुई, उसमें किसानों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल निर्णय लेना पड़ा कि 17/1/2022 दिन सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, क्योंकि यहाँ के तहसील के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही को देखते हुए किसान परेशान है। राहत राशि बीमा और अन्य बिंदुओं को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन के नाम से अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा।